करण जौहर ने अपनी अगली फिल्म स्क्रू ढीला का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक खतरनाक जगह पे कुछ लोग टाइगर को पीटते नजर आते हैं और टाइगर हर मूवी की तरह बड़ी मासूमियत से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन लोगों से कोई मिस्टेक हुई है और वो गलत आदमी को उठाकर लाए हैं। वो तो सिर्फ एक मामूली पीटी टीचर है। तभी हीरोइन की एंट्री होती है, उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ आवाज सुनाई देती है और वो कहती है जॉनी, और अब अपना हीरो बड़ी मूड में आता है। मतलब बिल्कुल हर फिल्म की तरह टाइगर एक्शन स्टार्ट करता है और सबको धो डालता है, लेकिन इस बार थोड़ा क्रेजी स्टाइल में। पर्सनली मुझे ये सीन देखकर 2015 में रिलीज हुई तमिल फिल्म की याद आती है। उस फिल्म में भी अजित कुमार यानी वेदालम पहले मासूम बनके मार खाता है और बाद में बड़ी क्रेजी तरीके सब विलन्स को पेलता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्क्रू ढीला वेदालम की कॉपी है, बल्कि वेदालम की जो क्रेजीनेस है वो टाइगर में देखने को मिल सकती है, तो फिर से हमें वो क्रेजीनेस शायद देखने को मिले। अगर टाइगर ने हर फिल्म की तरह अपनी एक्शन पे ध्यान दिया तो फिर समझो खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन इस बार अगर उन्होंने एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया तो हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो अनाउंसमेंट टीजर में हीरोइन कौन है ये नहीं बताया गया, सिर्फ टाइगर को ही इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सब हीरोइन के लिए बेकरार रहे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन खबरों की माने तो हमें स्क्रू ढीला में टाइगर के अपोजिट रश्मिका दिखने वाली है। वैसे भी करण जौहर नए लोगों को तो काम देता नहीं, और अगर करण जौहर के फिल्म में कोई लीड रोल में है तो या तो वो स्टार किड या फिर सुपरस्टार होगा, तो हो सकता है में रश्मिका देखने को मिल जाए। वैसे इस बार मुझे टाइगर की एक्टिंग में दम लगा। चल झूठा, सच में वो वेदालम जितनी क्रेजीनेस तो नहीं दिखा पाए, मगर फिर भी अच्छा किया। इस बार भी एक्शन में कुछ खास बदलाव नहीं है, वही टाइगर की ब्लैक फ्लिप और स्लो मोशन में गोलियां नजदीक से गुजरना है, जो हम पहले भी देख चुके हैं बागी जैसी फिल्मों में। वैसे भी टाइगर श्रॉफ की हाल ही की फिल्में फ्लॉप गई है और करण जौहर का तो पूछो ही मत। वैसे इस फिल्म को शशांक खैतन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 2014 में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया और 2018 में धड़क जैसी फिल्में बनाई है। और आखिर में जब एक बंदा टाइगर के बैक में चाकू मारता है लेकिन फिर भी अपना टाइगर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा रहता है, ये मुझे कुछ ज्यादा ही लगा। आई रियली होप कि पूरी फिल्म में ऐसा कुछ न हो, वरना फिल्म तो गई समझो, क्योंकि टाइगर की ज्यादातर फिल्में उनकी ओवर पावर की वजह से डूबी है। मतलब सोचो यार, बंदा अकेले मशीन गन और हेलीकॉप्टर से लड़ता है, कभी अकेले पूरे देश की आर्मी से पंगा लेता है और जीतता भी है। बस ये सब इस फिल्म में ना हो, क्योंकि यार टाइगर एक हार्ड वर्किंग और अच्छा एक्टर है, पर बॉलीवुड उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये बाबा आदम के जमाने के एक्शन से काम नहीं चलेगा। तो ये तो था मेरा ओपिनियन स्क्रू ढीला फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर को लेकर। आप टाइगर की स्क्रू ढीला के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।